हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज हम 2022 यानी 2022 का जो आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था उसे हम डिस्कस करेंगे और इसे सॉल्व करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा 2022 का आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, साइंस का पेपर है ये क्लास 10th का। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, आपको जो इसमें समय दिया गया है वो 3 घंटे का समय दिया गया है और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 है, यानी 80 मार्क्स का आपका ये पेपर है और आपको इसको 3 घंटे में या 3 आवर्स में सॉल्व करना। अब हम इसके निर्देश समझ लेते हैं। तो इसका जो इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश है, पहला ये है, इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है इसमें 30 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन आपको पूरा करना है, यानी आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक उसके सम्मुख दर्शाए गए हैं, यानी हर क्वेश्चन के, हर प्रश्न के सामने उस वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपको दिया गया है। यानी अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके क्वेश्चन के सामने उसको दिखाया गया है कि ये 1 मार्क्स का है या ये 2 मार्क्स का है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है, थर्ड निर्देश है, तीसरा निर्देश, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी जो आपका क्वेश्चन 1 है वो कैसा है, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न है। यानी यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी या एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बेस में 4 आपको आंसर दिए जाएंगे और उन आंसर में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, यानी आपको विकल्प को छांटना है कि कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक 1 अंक के प्रश्न है, यानी 2 से 6 तक के जितने क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, उनका जो मार्क्स है वो 1 मार्क्स है, यानी हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है। प्रश्न संख्या 7 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न है। वहीं अगर हम प्रश्न संख्या 7 से 15 तक की बात करें तो 7 से 15 तक आपके जो है क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का है। प्रश्न संख्या 16 से 24 तक 3 अंक के प्रश्न हैं। अगर 16 से 24 तक की अगर हम बात करें तो इसमें आपके 3 अंक के यानी 3 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 25 से 30 तक 4 अंक के प्रश्न हैं। और वहीं अगर हम 25 से 30 तक के जो क्वेश्चन हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। यानी आपके पास पहले आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, दूसरे आपके 1-1 मार्क्स के प्रश्न है, तीसरे आपके 2 मार्क्स के प्रश्न है, चौथे आपके 3 मार्क्स के और पांचवे आपके 4-4 मार्क्स के प्रश्न है। तो इस तरीके से आपको जो है आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो जो है इस तरीके से सेट किया गया है। इंस्ट्रक्शन, देयर आर इन ऑल 30 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी 30 क्वेश्चंस है इस क्वेश्चन पेपर में और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करना अनिवार्य है। दूसरा है, मार्क्स एलोकेटेड टू एवरी क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स दिए गए हैं वो उस क्वेश्चन के सामने दर्शाए गए हैं। तीसरा, क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 to 6 आर 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 से 6 तक आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 to 15 2 मार्क्स क्वेश्चन, 7 से 15 तक के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तीसरा है आपका, 16 से 24 तक के जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और क्वेश्चन 25 से 30 तक के आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला आपका प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन हैं, 6 प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है, तो आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन है, यानी 6 मार्क्स का आपका पहला जो है पार्ट है वो है। तो इसमें आपके अलग अलग जो है क्वेश्चंस आपको 6 दिए गए हैं। तो जैसे आप पहला देख सकते हैं, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड आपका, ये भी आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड आपका ये फिजिक्स है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिर आपका बायो का क्वेश्चन है, देन आपका फिजिक्स का है। तो इस तरीके से आपके जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो बच्चों, ये आपके क्वेश्चन पेपर है, और इसमें मैं आपको जो आपके फिजिक्स के पार्ट के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर 2022 है, उसके फिजिक्स के क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने इंस्ट्रक्शंस देख लिए थे। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ग पार्ट है, ठीक है, ग भाग है, और ये क्या है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो ये है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल है। पहला ऑप्शन है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 3 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड, तीसरा है 331 मीटर पर सेकेंड, चौथा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, यानी प्रकाश की चाल की बात करें, ठीक है, और वो भी इसमें निर्वात यानी वैक्यूम में पूछी गई। अगर हम ऑप्शन 3 की बात करें, तो आप देख सकते हैं ये स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड की बात हो रही है इसमें। वहीं अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, और आप ये जानते हैं कि जो आपका लाइट है उसको किसी भी तरीके का मीडियम यानी किसी भी तरीके का माध्यम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। यानी अगर हम किसी वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम यानी ऐसी जगह जहां पे आपके पास कोई भी मीडियम यानी कोई भी माध्यम नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जगह जहां पे किसी भी तरीके का माध्यम नहीं है, यानी कि ना एयर है, ना वाटर है, ना वायु है, ना जल है, ना कोई आपका ठोस पदार्थ है, तो ऐसे जगह में भी आपकी जो है लाइट जो है वो क्या करती है, वो गमन करती है, वो ट्रैवल करती है। तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात करें, निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें, तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन 1 है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन 1 है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है, यानी द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आपसे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस होता है उसका SI मात्रक क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। पहला है आपका ऑप्शन ओम, दूसरा है एम्पेयर, तीसरा है वोल्ट, चौथा है ओम मीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें एम्पेयर की, तो एम्पेयर आप जानते हैं कि करंट की SI यूनिट होती है। किसकी SI यूनिट है, करंट की यूनिट है एम्पेयर, यानी I यानी करंट यानी धारा को आप जो है उसकी जो SI यूनिट है या उसका मात्रक जो है वो एम्पेयर है। वहीं अगर हम वोल्ट की बात करें, किसकी बात करें, वोल्ट, तो वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है होता है उसका, उसकी जो यूनिट होती है वो आपकी वोल्ट होती है। वहीं अगर हम बात करें विद्युत प्रतिरोध की यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, तो आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम हमेशा ओम में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 1 यानी ओम है। अगर हम ओम की बात करें, तो ओम को आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। यानी आपको
जो आपको गैसें दी गई हैं इनमें से बतानी है कि कौन सी ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी जो पृथ्वी है उसे बचाती। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो पहला है फ्लोरीन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ओजोन और चौथा है अमोनिया। अगर हम बात करें पृथ्वी की, अर्थ की अगर हम बात करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा है कि जो अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, ठीक है, एक लेयर है जिसे हम किसकी लेयर कहते हैं, ओजोन की लेयर। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। और ये जो ओजोन की लेयर है ये क्या करती है, ये हमारी पृथ्वी को सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी में आने से बचाती है, ठीक है। यानी ये अल्ट्रावायलेट रेस जो होती हैं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं उन्हें अर्थ में या अर्थ की सरफेस से आने से बचाती है। और आप ये जानते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये ऐसी रेज है जिनसे बहुत सारी जो है त्वचा की जो आपकी बीमारियां हैं, स्किन डिजीजेस है, वो होती है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा आपका वो आपका ऑप्शन 3 है यानी ओजोन। तो आपके जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो चारों तरफ है एक एनवेलप के रूप में आपकी ओजोन लेयर होती है और वो क्या करती है, शील्ड करती है पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से यानी पराबैंगनी किरणों से। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है। तो ये जो प्रश्न है ये एक न्यूमेरिकल है और ये आपका जो है ये आपका रिफ्लेक्शन का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि एक न्यूमेरिकल है। तो ये आपका न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, अगोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। यानी आपको एक स्फेरिकल मिरर दिया है, गोलीय दर्पण दिया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है यानी आर की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी क्या है, आपको क्या निकालना है, इस जो ये मिरर है, ये जो दर्पण है की फोकल दूरी आपको निकालनी है यानी आपको फोकल लेंथ निकालनी है इस मिरर की। और आपको क्या दिया गया है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर की वैल्यू आपको दी गई है। और ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का, आप देख सकते हैं 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहले दिया गया है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। यानी आर की वैल्यू हमें दी गई है जो कि 25 सेंटीमीटर। यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 25 सेंटीमीटर दी गई है। अब आप ये जानते हैं, हमने ये पढ़ा है कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल आर होता है यानी वक्रता त्रिज्या है वो बराबर होती है ट्वाइस ऑफ एफ। और यहाँ पे जो आपका एफ है वो आपकी फोकल लेंथ है यानी जो ये आपका गोलीय दर्पण है उसकी जो है फोकस दूरी या फोकल लेंथ जो है वो हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो किसी भी दर्पण, जो आपका कोई भी दर्पण है, गोलीय दर्पण है, उसके वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में आपका ये रिलेशन होता है आर बराबर 2।
अब अगर हम आर की बात करें, आर हमें दिया गया है 25 सेंटीमीटर और ये बराबर होता है हमारे 2F के। अगर हम बात करें एफ की, यानी हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, फोकस दूरी, ठीक है। तो ये एफ बराबर हो जाएगा हमारा 25/2 यानी 25/2। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका 12.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो ये आपके पास गोलीय दर्पण है या जिसे आप क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, इसका जो फोकल लेंथ आएगा वो आपका 12.5 सेंटीमीटर यानी 12.5 सेंटीमीटर आ जाए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते। यानी आपको ये बताना है, वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की अगर हम बात करते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को क्यों काटती नहीं है। यानी आपने जब हम मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके मैग्नेट्स होते हैं उसमें जो लाइंस होती है वो इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरीके से जाती है। और हमने जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यानी मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने ये पढ़ा था कि कभी भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि हमने ये पढ़ा था या ये समझा था, अगर फील्ड लाइन कहीं पे भी एक दूसरे को अगर काटती है, तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट में उस जो फील्ड लाइंस है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, वो उस बिंदु पे एक दिशा नहीं बल्कि एक से ज्यादा दिशा को दर्शा रही है। और ऐसा संभव नहीं होता। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि तब ये इंटरसेक्ट कर सकती है जब उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, उनकी एक से ज्यादा दिशा है, यानी दो दिशा है, क्योंकि दो आपस में काट रही है तो उसकी दो दिशा होगी, एक से ज्यादा दिशा होगी। पर ऐसा होता नहीं है। आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, वो यूनिडायरेक्शनल होती है। तो इसलिए आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है या काटती नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आप आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ द सेम फील्ड लाइन विच इज नॉट पॉसिबल। यानी अगर आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को किसी पॉइंट में अगर काटती है, तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, यानी वो बिंदु जहाँ पे वो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, उस बिंदु पे जो वो फील्ड है उसकी एक से ज्यादा डायरेक्शन, यानी दो डायरेक्शन है, ठीक है। और ऐसा संभव नहीं होता है। हेंस द फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। इसलिए ये कहा जाता है कि जो आपकी फील्ड लाइन्स है वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं या इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक ही क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। अतः क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को ना तो काटती है और ना ही क्या करती है, ना वो काटती है ना ही कटती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अब अगला प्रश्न है वो आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है।
दो विद्युत बल्बों में क्रमशः 60 वॉट 240 वोल्ट तथा 40 वॉट 240 वोल्ट अंकित है। यानी आपके पास दो बल्ब है, दो इलेक्ट्रिक बल्ब है, और उनमें क्या मार्क किया गया है, पहले बल्ब में 60 वॉट और 240 वोल्ट लिखा गया है और दूसरे बल्ब में 40 वॉट और 240 वोल्ट लिखा गया है। इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा, गणना कीजिए। यानी आपको इनमें से किसका सबसे ज्यादा प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, ये आपको बताना है। देयर आर टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स मार्क 60 वॉट 240 वोल्ट एंड 40 वॉट 240 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ देम हैज हायर रेजिस्टेंस, कैलकुलेट। अब आपको क्या दिया गया है, दो बल्ब दिए गए हैं, ठीक है, और उनकी पावर, उनका पावर कितना है और उनका वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज दिया गया है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इनकी जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो आपका पहला बल्ब है उसका जो पावर है उसे हम P1 मान लेते हैं, और आपको P1 कितना दिया गया है, 60 वॉट। वही इसके लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस या फिर V जो है, वोल्टेज जो है V1, वो आपको 240 वोल्ट दिया गया है। इसी तरीके से दूसरे बल्ब को हम के लिए जो पावर है वो P2 मान लेते हैं, और ये आपका 40 वॉट दिया गया है, और वही V2 इस केस में आपको 240 वोल्ट दिया गया है। अब अगर हम बात करें पहले केस के लिए, हमें क्या निकालना है, दोनों केसेस में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस निकालना है, यानी हमें R1 और R2 की वैल्यू निकालनी। अब पहले हम पहले बल्ब का लेते हैं, ठीक है, जो आपका फर्स्ट बल्ब है, यानी पहला विद्युत बल्ब, उसके लिए हम देखते हैं। तो हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं, आपने ये पढ़ा है कि अगर हम पावर, ठीक है, आपका जो है जो फॉर्मूला है पावर का फॉर्मूला, अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो, आपके पास क्या है, वी की वैल्यू है, तो आप क्या करते हैं, पी बराबर वी स्क्वायर आर, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। अब हम पहले बल्ब के लिए ले रहे हैं, तो पी को हम P1 ले लेंगे, वी को V1 और आर को R1। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा P1 की वैल्यू 60 वॉट, V1 की वैल्यू 240 वोल्ट, और ये कितना है, स्क्वायर है, वी का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर, और नीचे हम R की जगह R1 को जो है एज इट इज रख देंगे। अब हमें R1 की वैल्यू निकालनी है, तो R1 बराबर हो जाएगा आपके 240 का स्क्वायर अपॉन 60, यानी R1 जो होगा 240 इंटू 240 अपॉन 60। तो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो 960 ओम आ जाए। पहले केस में हमारा जो रेजिस्टेंस आया वो ये आया। अब हम सेकेंड बल्ब की बात करते हैं, यानी दूसरे विद्युत बल्ब के लिए, पावर का फॉर्मूला सेम होगा, P2 बराबर आपका V2 का स्क्वायर अपॉन R2। अब हम इसमें वैल्यूज रख देंगे, P2 की वैल्यू कितनी है, पावर कितना है आपका सेकेंड केस में 40 वॉट, P2 आपका 40 है, V2 आपका 240 का स्क्वायर हो जाएगा, R2 आपका एज इट इज रह जाए।
आर टू बराबर 240 का स्क्वायर अपॉन 40, 240 का स्क्वायर अपॉन 40, तो 240 का अगर आप स्क्वायर लेंगे, वर्ग लेंगे, तो आप इस तरीके से लेंगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो सेकेंड बल्ब है, दूसरा बल्ब है, उसके लिए हमारा जो रेजिस्टेंस आया है, प्रतिरोध आया है, वो 1440 ओम आया है, यानी 1440 ओम आया। अब आप अगर R1 और R2 की वैल्यू देखें, तो आप क्या देख सकते हैं कि R2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है किससे, आपकी R1 से। यानी आपसे क्या पूछा गया है कि इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो आपका जो दूसरा बल्ब है उसका प्रतिरोध अधिक हो, किसका प्रतिरोध अधिक होगा, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। यानी सेकेंड बल्ब का जो आपका रेजिस्टेंस है वो ज्यादा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो 13th क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर का, और इसका जो का पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है, का पार्ट जो है वो है ओम का नियम क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ, यानी आपको इस केस में ओम्स लॉ बताना है, ठीक है। तो अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, हम अगर न्यूमेरिकली देखें तो हम क्या कहते हैं ओम्स लॉ में, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये हम न्यूमेरिकली जब हम पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं, क्या समझते हैं, कि आपका जो ओम्स लॉ कहता है वो ये कहता है कि किसी भी, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी आपका चालक है, उस पे जो वोल्टेज, उसके जो है क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, जो वोल्टेज उसके क्रॉस ड्रॉप होगी, वो प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है, आपकी समानुपाती होती है किसके, जो करंट उस कंडक्टर से फ्लो होगी, ठीक है। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है, किसी भी तरीके का आपके पास चालक है, उसके अक्रॉस, ठीक है, उसके अक्रॉस जो है, जो आपकी वोल्टेज ड्रॉप होगी या वोल्टेज जो होगी वो आपकी समानुपाती होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की, यानी जितना करंट उससे फ्लो होगा उतनी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी वोल्टेज होगी। अब क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, या जो आपका ये समानुपाती है, इसको अगर हम हटा दें, तो आपका V बराबर R I हो जाता है, या I R हो जाता है, जहां पे R आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है, यानी उस कंडक्टर का जो प्रतिरोध है वो आपका R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम ओम के नियम की बात करें, तो जो आपका ओम का नियम है या ओम्स लॉ है, उसे आप इस तरीके से लिखेंगे, ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यानी ओम का लॉ क्या कहता है, ओम का लॉ ये कहता है कि किसी भी चालक, कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, उसके अक्रॉस, ठीक है, उससे जो अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, उस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, किसके समानुपाती होगी, करंट की। यानी करंट बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटेगा तो आपका वोल्टेज घटेगा, प्रोवाइडेड। और क्या इसमें क्या बोला गया है, क्या शर्त रखी गई है, उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी फिजिकल कंडीशन है और टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है, तो आपका ओम्स लॉ जो है वो यही, मतलब ये कहे,
यानी ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब आपका फिजिकल कंडीशंस जो है, भौतिक स्थितियां हैं, टेम्परेचर है, ये क्या रहे, स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे। उसी कंडीशन में आपका जो है वोल्टेज जो कि आपकी कंडक्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो प्रोपोर्शनल होगा करंट की, यानी धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इसके ऊपर वोल्टेज डिपेंड करे। ओम का नियम कहता है कि एक कंडक्टर में वोल्टेज उसके माध्यम से बहने वाली धारा के सी के समानुपाती होता है। बशर्ते सभी, यानी ये आपकी जो कंडीशंस है वो क्या होनी चाहिए, भौतिक स्थितियां और तापमान स्थिर है, यानी आपकी जो फिजिकल कंडीशंस है और जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इक्वल्स टू आई आर। तो ये आपका क्या है, ओम्स लॉ है। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो खा क्वेश्चन है और ये आपका एक मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है फ्लेमिंग्स का दक्षिण हस्त नियम लिखिए, यानी स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यानी आपको फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो आपको बताना है कि राइट हैंड रूल होता क्या है। ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, अगर हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात करें तो राइट हैंड रूल में क्या कहा जाता है कि अगर आप अपने राइट हैंड, जो आपका क्या है, राइट हैंड है, ठीक है, तो आप अगर उसमें क्या करें, आपका जो अंगूठा होता है, मिडिल फिंगर होती है, ठीक है, और आपकी जो जो आपकी क्या होती है, मिडिल फिंगर होती है, और आपका थंब होता है, अंगूठा होता है, और आपकी जो फर्स्ट फिंगर होती है, अगर आप तीनों फिंगर्स को, तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करो, यानी तीनों को आप परपेंडिकुलर रखो, तो आपका जो अंगूठा होता है वो आपका जो है फोर्स की तरफ, यानी मोशन, किस दिशा में मोशन होगा या जिस दिशा में फोर्स लगेगा उसकी तरफ डायरेक्शन करता है। जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो ये दर्शाती है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, वो किस दिशा में है, और जो आपकी मिडिल फिंगर होती है जिसे आप मध्यमा कहते हैं, वो ये दर्शाती है कि करंट जो है, यानी धारा जो है, वो किस दिशा में प्रवाहित हो रहा। तो ये आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल shows the direction of induced current when a conductor attached to a circuit moves in a magnetic field. यानी अगर हम फ्लेमिंग्स के दाहिने हाथ के नियम की बात करें तो आपका जो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम होता है वो ये दर्शाता है कि जब किसी कंडक्टर से, ठीक है, या कोई भी कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में, चालक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में अगर वो मूव करता है, ठीक है, गति करता है, तो जो करंट उसमें इंड्यूस होगी, ठीक है, जो उसमें करंट यानी जो धारा है जो उसमें इंड्यूस होगी वो किस दिशा में होगी। तो इसमें आप क्या करते हैं, अपने दाहिने हाथ की अंगूठे, पहली उंगली और मध्यमा, इसको परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करते। तो द थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो जो आपका मोशन है, किसी भी कंडक्टर में मोशन यानी गति किस दिशा में हो रही है, ये आपका थंब यानी अंगूठा दर्शाता है। द फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो पहली उंगली है वो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा में पॉइंट करती है या उसकी दिशा में इंगित करती है। द सेकेंड फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट, और जो आपकी मध्यमा होती है, जो आपकी दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली है, वो दर्शाती है कि करंट किस दिशा में फ्लो कर रहा है, यानी धारा किस दिशा में आपकी प्रवाहित हो रही है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा दर्शाता है। जब एक सर्किट से जुड़ा कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में चलता है या चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है,
अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कंडक्टर की गति की दिशा में इंगित करता है। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो है इशारा करती है या इंगित करती है। फिर जो आपकी मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा में इंगित करती है या उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को का आंसर लिखेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चन समझाए आपको समझ में आ गए होंगे। आपने इनको ध्यानपूर्वक सुना होगा और नोट डाउन भी किया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।